सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कम समय अंतराल पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, और जो आप लोग बहुजन आवाज़ को बुलंद करने में क्रांतिकारी कदम प्रयास है आपका, उसके लिए तहे दिल से आभार है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्च 2020 में प्रस्तावित MLC स्नातक चुनाव के संबंध में है, जो स्नातक लेवल पर ही होते हैं और 6 साल का कार्यकाल उनका होता है, उस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई। विधान परिषद जो होते हैं? जी, विधान परिषद। तो सर कहाँ, यूपी का है? कहाँ? यूपी के अंदर 8 सीटें होती हैं स्नातक की, जिसमें मेरठ मंडल सारण मंडल की सीट पर चुनाव है मार्च 2020 में, जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो क्या सर किसी पार्टी का भी सपोर्ट है क्या, फिर निर्दलीय? ये चुनाव जो होते हैं ये बिना पार्टी के होते हैं, बिना सिंबल के होते हैं, और इन्हें समर्थन रहता है पार्टी का, बाहरी समर्थन बोलते हैं इसको। तो किस पार्टी का ऐसा सपोर्ट है, निर्दलीय? अभी निर्दलीय हैं, भविष्य में कोशिश करेंगे आप लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आपका जो सहयोग रहेगा। इस इलेक्शन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं लोगों को? ये जो सीट है शिक्षा क्षेत्र से है, इसमें स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज सिलेबस शिक्षा क्षेत्र से जितनी समस्या होती है उसका निराकरण के लिए, उनका समाधान के लिए ये सीट होती है। तो इसमें जो वोट देने वाले लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं और किस कैटेगरी के होते हैं? इसमें जो वोट होती है वो स्नातक स्तर पे होती है, स्नातक जो 3 वर्ष कर चुके होते हैं, 3 साल पुराने होते हैं, उनके लिए इसमें वोट करते हैं मतदाता। इसमें स्नातक से होता है, बीए बीकॉम बीएससी जो होती हैं, जो इक्विवेलेंट भी ग्रेजुएट होती हैं, एमबीबीएस बीटेक बीफार्मा, वो लोग इसमें वोट करते हैं। सर जहाँ एक तरफ भोजनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे समय में आप आगे निकल पाएंगे, उभर पाएंगे? सर बहुजन मूवमेंट पर मैं इस सीट को आगे लेके आप लोगों के माध्यम से आया हूँ। एक मौका मिला था पहले बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने इतिहास रच दिया था पूरे देश में, आज पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है, और इस बार ये प्रयास रहेगा और इतिहास रचा जाएगा कि ये सीट इस बार बहुजन के तरफ बढ़ेगी और बहुजन की सीट रहेगी इस बार। अगर ये आप जो इस सीट पे आप फाइट कर रहे हैं, आपने कितनी मेहनत की और कहाँ तक आपकी मेहनत सार्थक हो पाएगी? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस सीट के बारे में, अभी तक का जो मैं गांव-गांव जा के जो देख रहा हूँ जा रहा हूँ, इसमें बहुजन मूवमेंट के आधार पे बहुजन जो लोग हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं, जो वर्ग है हमारा, उसको जानकारी नहीं है और जानकारी होने भी नहीं दी गई है। पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इस पर अदर समाज मनुवादी व्यवस्था के लोग इस पर काबिज हैं और जो अपने लिमिटेड आधार पर ही इस पर कब्जा करते आए हैं। और मैं जब से पिछले 1 साल से प्रयासरत हूँ, गांव-गांव जाके कैडर करके लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का एक अधिकार है जो बाबा साहब ने हमको दिया है और इसको आप यूज़ करें और एक अपना प्रतिनिधित्व उस सदन में स्थापित करें। जो ग्रेजुएट युवा है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या आपने उसे जगाने की कोशिश की? अगर की तो रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है और इस बार ये सीट बहुजन की ही होगी, बहुजन मूवमेंट पे ही इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और हर युवा में भागीदारी बढ़ चढ़ के निभा रहा है। आपके अलावा भी कोई बहुजन नेता जो फाइट कर रहा हो आपके सामने? आपके सामने क्योंकि मनुवादी जो लोग हैं ज़्यादातर ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भविष्य में भी ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा होगा। अभी तक जो मेरा प्रयास था, काफ़ी दिनों से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ तो कोई सुना ही नहीं दिया इस तरह का। काफ़ी समाज में हमारे लोग जागरूक हैं, कैडर करते हैं, बाबा साहब की बातों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की व्यवस्था समझ में नहीं आई, नज़र नहीं आई कि किसी ने उनको जागरूक किया है। मेरठ मंडल के अंदर कितनी विधानसभा है जहाँ से आपको वोट लेना है? मेरठ मंडल के अंदर सर जितने विधानसभा दोनों टोटल 44 विधानसभा हैं मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल में, 44 विधानसभा 9 जिलों का इलेक्शन होता है। जी टोटल वोट कितना है और कितने वोट की जरूरत है जीतने के लिए? पिछला इतिहास हम 2014 का उठाएं तो 227,000 इसमें मतदाता थे और 42% इसमें पोलिंग हुआ था, जिसमें 94,000 वोट पे टोटल मतदान हुआ था, जीत हार हुई थी 22,952 पे। तो अभी आपने कितने फॉर्म भरवा लिए जो ग्रेजुएट हैं जो आपको मतदान करेंगे? मेरे पास अभी 39,000 वोटर मतदाता का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रयास ये है कि लाखों में 4 लाख 6 लाख जितना भी हमारे बहुजन समाज है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, खुद से अपना पंजीकरण कराएं, समस्या होती तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर इसमें? सर मैनिफेस्टो तो इसमें अपना जो समाज का जो प्रतिनिधित्व है जो आज तक रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाना है, उस सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है अपने बहुजन समाज की, और शिक्षा क्षेत्र में
उन्नति के लिए। सर आपको युवा वोट क्यों दे? युवाओं से मेरी अपील इसलिए रहेगी, इसलिए उनको वोट देना चाहिए कि जो सीट आज तक मनुवादी व्यवस्था पर रही है, सबसे बड़ी है कि अब तक वो उस पर उन तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई है। जब अब उनको जानकारी हम दे रहे हैं तो बड़े उत्साहित हैं कि इस तरह की वोट हमारी होती है, हमको इससे वंचित रखा गया है। कभी किताबों में पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन अब उनके सामने प्रैक्टिकल आ रहा है कि इस तरह के MLC होते हैं जो चुन के स्नातक स्तर पर जाकर उनका प्रतिनिधित्व करना करते हैं, तो बहुत उत्साहित हैं, वोट करेंगे। सर चुनाव से पहले सभी ऐसे वायदे करते हैं, फिर उसके बाद में बहुजन या दलित समाज को कोई भी इतना प्रेफरेंस नहीं देता, ये सत्य है। पुराने अनुभव के आधार पर आपने जो पूछा है ये भी सत्य है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। ये इतिहास पहली बार रचा जा रहा है और पहली बार इतने बड़े मूवमेंट पर ये हमारा कदम है, प्रयास है कि सीट को हम काबिज करें और बहुजन जो उनकी उम्मीदें होती हैं उस पर खरा उतरेंगे। जो महिला हैं, ये जो लड़की हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनका कुछ सहयोग है? हाँ बिल्कुल सहयोग है। इसमें मैं आपको बता दूँ, जो मतदाता के रूप में अपना मतदान करते हैं उसमें महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, रिटायर्ड, सर्विस, जॉब, स्टूडेंट सभी लोग करते हैं और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है इस बात को लेके कि अधिकतर स्नातक सीट से लोग बॉयज़ को या जेंट्स को स्नातक पे लेते हैं, लेकिन महिलाओं को वो छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ये जागरूकता है कि महिलाएं पढ़ी लिखी हमारी जो हैं, बहनें हैं, माताएं हैं और सर्विस हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूनम अम्बेडकर जी, आप समाज सेविका हैं और आपकी इस इलेक्शन में क्या भूमिका रहेगी? क्या आप भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन फाइट नहीं कर रही हूँ। AR निमेश जी को मैं पूरा समर्थन देती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस MLC चुनाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब निमेश जी को मैंने मिली इनसे तब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो शिक्षा का जो स्तर पर जो ये काम होगा आगे, क्योंकि अभी तक जो विधान परिषद में है वो मनुवादी लोग हैं, हमारी बहुजन से कोई भी नहीं है। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इनको पूरा समर्थन दिया। समर्थन देने का कारण ये था कि बाबा साहब ने जो पहला मंत्र बताया वो शिक्षा का बताया था, शिक्षित बनो, तो शिक्षा पर ही हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। आपने देखा होगा कॉलेज हो, स्कूल हो, जो भी सुविधाएं थी वो कम की जा रही है, ख़त्म की जा रही हैं। तो अगर हमारा बहुजन समाज से कोई भी लोग विधान परिषद में जाता है तो शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ता है और वो कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर जाए। तो इस वजह से मैंने निमेश जी को पूरा समर्थन दिया और निमेश जी को मैं जानती भी हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और ये काम समाज में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। तो मुझे पूरा कितने वोट आप निमेश जी को दिलाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं गिनती तो आपको नहीं बताऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की कोशिश और दिलवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं युवाओं से बात कर रही हूँ तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। ज़्यादातर तो लोग हमारे जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं उन लोगों को भी नहीं पता है इस वोट के बारे में, उन लोगों को उनको गुमराह किया गया है, उन्हें पता ही नहीं है। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा उत्साहित है युवा इस वोट इलेक्शन के लिए। जो जी जैसे राज्यसभा अपर हाउस होता है, वैसे ही जहाँ तक मैं जानता हूँ तो विधान परिषद जो मंडल होता है वो भी अपर हाउस की तरह होता है। जी बिल्कुल। तो क्या इसमें कोई निधि उधि थोड़ा ही मिलती है सर, जो विधायक वगैरह होते हैं आप लोग, जो जैसे राज्यसभा में उनका कानून बनाने का काम होता, क्या आप लोगों का भी ऐसी कानून होता? दरअसल जो विधान परिषद होता है उनका काम क्या होता है? जी, विधान परिषद की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो निम्न सदन होता है, जो निम्न सदन होता है विधानसभा, उसमें जो कानून बनाए जाते हैं उनको विचार अपनी मर्जी से उसे लागू ना कर दें, इसीलिए उस सदन का गठन हुआ है, उस पर विचार विमर्श करके और जो संविधान के अनुरूप है तो उसको पारित करने का विधान परिषद में होता है। निमेश जी, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं इस समय मीडिया के माध्यम से, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? क्या मैं सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ के इस मुहिम में भाग लें। सभी स्नातक कर चुके लोग जो 2017 तक कंप्लीट कर चुके हैं वो अपना मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। मतदान सूची में नाम दर्ज कराने का, क्योंकि जाहिर है विधान परिषद स्नातक का चुनाव है तो स्नातक की मार्कशीट प्रूफ में लगती है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस के लिए और फोटो के साथ अपना पंजीकरण एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ निर्वाचन जिला निर्वाचन आयोग को सबमिट कर सकते हैं। और किसी को भी अगर कोई समस्या दिक्कत आती है पंजीकरण कराने में तो मुझसे संपर्क कर सकता है। सर, क्या ये फॉर्म ऑनलाइन होगा या आपके माध्यम से फॉर्म मिलेगा? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन भर के प्रिंट करके निर्वाचन आयोग को जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पंजीकरण होते हैं। और चुनाव की डेट कब है सर? मार्च 2020 में प्रस्तावित है,
वोटिंग जो होगी जी। निवेश जी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा जी, जिस तरह से देखा जाता है कि जो इसमें पढ़ा लिखा वर्ग जो एक यंग जो स्टूडेंट है वो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और देख इस जो एमएलसी है इनका देश की पॉलिटिक्स में क्या अहम रोल है, जो एमएलसी है उसके टाइम में जो इस तरह से देखा जाता है विधायक का संसद का जो रोल होता है इस तरह से इनका नहीं दिखता है, क्योंकि अगर इनको चुनने वाला जो मेन वर्ग है जो पढ़ा लिखा इनको चुनता है, लेकिन इनका जो मेन पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा जो मेन भूमिका होती है नहीं दिखती है, इसका क्या रीजन है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सीटें होती हैं एमएलसी का जो वर्गीकरण है 100 सीटों का है, 10 सीटों को राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं, 38 एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, 36 लोकल बॉडीज होती हैं जिला पंचायत सदस्य चेयरमैन और अध्यक्ष पार्षद वगैरह चुनते हैं, बाकी बची 16 सीटें, इन 16 में से 8 सीट होती हैं शिक्षक टीचर, 8 होती हैं स्नातक के लिए। इनका रोल जो नॉमिनेशन जो इनको इलेक्ट किया जाता है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो कला विज्ञान समाज सेवी होते हैं उनको चयनित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा रोल नहीं दिखाई देता है वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, ये डायरेक्ट जो आम आदमी पोलिंग इसमें करता है इस तरह की पोलिंग नहीं होती है, लोगों में जागरूकता नहीं है, इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं इसमें पार्टिसिपेट वही करते हैं, इंटरेस्ट वही लेते हैं जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट। एक आखिरी सवाल है, एक आपने बोला कि हमसे संपर्क करें तो अपना नंबर दे दीजिएगा, दूसरा ये है कि अगर सर आप जीतते हैं तो सर समाज के लिए क्या करेंगे वो भी बताएं जी। अपना मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर है पर्सनल 9310155679 पर संपर्क कर सकते हैं, और एक बार और बोल दीजिए नंबर जी 9310155679 पर मेरे से संपर्क किया जा सकता है वोटर पंजीकरण के लिए, और दूसरा अगर मैं सीट समाज मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है तो समाज की हर उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। इस पत्र प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, और बहुजन क्रांति के नए आगाज के साथ में मैं स्वयं रविदत्त निवेश बहुजन मोर्चा सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूँ, और उस नाते से जो हमारे आज के समाज सेवी जिन्होंने बीड़ा उठाया है बहुजन समाज को नई आगाज देने का, नई क्रांति जगाने का, और जो बहुजन मूवमेंट में बहुजन के समता मिशन पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर गली गली जाकर नवयुवकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मेरे भाई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं, और मेरे भाई के मन में जो बड़ी चिंता है नवयुवक को लेकर शिक्षा को लेकर वो इसलिए इस क्षेत्र में आए हैं। बेसिकली देखा जाए जिस सीट के लिए आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से बहुजन समाज के माध्यम से, वो बेसिकली सीट जो है एक प्रकार से स्नातक सीट पर कब्जा है शिक्षा माफियों का, और क्योंकि बहुजन समाज शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी नहीं है, उनके स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं है, उनको किसी भी प्रकार से या कहिए कि हमारे सिस्टम की वजह से पीछे रखा गया है, और हमारे प्रमोद यार निमेश जो स्नातक सीट पे प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं उनका ये प्रयास है कि बहुजन समाज के लोग आगे आएँ, बहुजन समाज की जो शिक्षा संबंधी जो समस्याएँ हैं जैसे हमारे नवयुवकों को स्कॉलरशिप मिलने में परेशानी होती है, हमारे बहुजन समाज के लोग जब विद्यालय खोलते हैं उन्हें विद्यालय की मान्यता लेने में प्रॉब्लम आती हैं, हमारे जो जितने भी कॉलेज हैं संस्थान हैं शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र प्रमोशन विद्यालय संचालन ऐसी अनेकों समस्याएँ हैं कि जिनको हम जो है यदि हम फेस करना चाहें किसी पटल पर रखना चाहें तो हम पटल पर नहीं रख पाएंगे। आप लोगों के माध्यम से और केवल बहुजन समाज से एक विशेषकर ये अपील है कि यदि आप इस क्रम को तोड़ना चाहते हैं, इस मनुवादी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, भारत में एक उत्तर प्रदेश के राज्य मेरठ और सहारनपुर स्नातक सीट पर पहली बार कोई ऐसा सक्षम प्रत्याशी आया है जो आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम है, जो सड़क से लेके गाँव गली मोहल्ले से लेके आपके विधान परिषद सदन तक आपकी बात रखने का प्रयास करेगा, आपकी हर समस्या का निदान करने का प्रयास करेगा, और निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए कि बहुजन समाज में आप एक ऐसे अकेले प्रत्याशी हैं जो घर घर जाकर शिक्षक स्नातक सीट की विषय जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के आज़ाद होने के इतने साल वर्ष बाद भी
हमारे समाज में शिक्षक स्नातक सीट को लेकर जागृति नहीं थी। आज भी गांव गली मोहल्ले में हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनको इस सीट की जानकारी नहीं थी। हमारे अभियान से और आपके प्रयास से हम गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जाकर हमने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया है और आज उसका नतीजा है कि 39,000 वोट आप अचीवमेंट कर चुके हैं बहुजन समाज के लोगों की। और जो हमने टारगेट लिया है 2,00,000 वोटों का हमने टारगेट लिया है। हमारे 44 विधानसभाओं में हम हर विधानसभा में जाके हर गांव में जाकर बहुजन वॉलंटियरों के सहारे, बहुजन संगठनों के सहारे और बहुजन तमाम जो हमारे भीम सैनिक हैं उनके सहारे हम वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार प्रमोद आर निमेश जी इस सीट पर अपना परचम लहराएंगे, बहुजन समाज का परचम लहराएंगे। इन्हीं जो है आशा और उम्मीद के साथ मैं जनता से पुनः अपील करता हूं कि आप इस बार प्रमोद निमेश जी जो हमारे भाई हैं और इस समाज सेवी हैं, बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे हैं, इनका साहस बढ़ाएं, इनका योगदान करें, सहयोग करें और ये शिक्षा जगत में एक नई क्रांति होगी। और बाबा साहब का जो मिशन है, सबसे पहला जो मंत्र है शिक्षित बनने का, उसको हम इस बार अभिभूत करेंगे, साक्षात करेंगे प्रमोद एआर निमेश जी को स्नातक सीट पर जिताकर। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।